मुंबई अंडरवर्ल्ड। मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत 1950 के समय में हुई थी। यह वो दशक था जहां पर मुंबई को सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों के नाम से जाना जाता था। पहले थे अफगान मुंबईकर करीम लाला उर्फ कोठा, तमिलनाडु से आए हुए हाजी मस्तान और एक वर्धा भाई। ये तीनों लोग मुंबई में 1930 में आकर बसे हुए थे और इनमें से पहले हाजी मस्तान ने इम्पोर्ट टैक्स को चखना देना का काम शुरू किया और उसके अंदर अपने पैर बढ़ा लिए। और दूसरे थे वर्धा भाई जिन्होंने कार्गो की चोरी और शहर में शराब डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। करीम लाला जिसने शराब और सट्टे के ठेके को चलाने का काम शुरू किया। बट इन तीनों के बीच में आपसी समझौता हुआ था कि कोई किसी के काम में कुछ भी अड़चन नहीं करने वाला है।